हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे विंडो 10 का ISO फाइल मतलब सिस्टम फाइल किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है। यदि आपका सिस्टम भी करप्ट हो गया, स्लो वर्क करता है, तो आपको सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। तो वहाँ पे आपको नीड पड़ती है ISO फाइल मतलब सिस्टम फाइल की जरूरत पड़ती है। इसको किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है इस वीडियो में चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, और उसके बाद अगला वीडियो में हम जानेंगे इसको किस प्रकार से बूटिंग किया जाता है, और उसके जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम सीरीज देखेंगे किस प्रकार से सिस्टम पे हम इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। चलिए शुरू करता हूँ। आपको यहाँ पे विंडो 10 का ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम पे आ जाना और यहाँ पे लिखना है डाउनलोड विंडो 10 ISO फाइल। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहला आपको यहाँ पे www.microsoft.com आ जाएगा, जो ये जो आपको मैं विंडो 10 आपको प्रोवाइड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड विंडोज 10 डिक्स एमेजा ISO फाइल यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस पर से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना URL पे, और यहाँ पे आपको नीचे आना है थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको करेंट विंडो 10 इंस्टॉल मीडिया, तो यहाँ पे क्या करना है डाउनलोड टूल नाउ यहाँ पे क्लिक कर देना। ओके, कुछ देर वेट करना और आपको डाउनलोड कर हो जाएगा। ये आपको नेट पे डिपेंडेंट करेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और सो इन द फोल्डर पे क्लिक कर लेना। इसको डबल क्लिक करके अपने सिस्टम में एच कर लेना है। यहाँ पे वेट करना, कुछ यहाँ पे प्रोसेसिंग एंड टर्म्स एंड कंडीशन की पेज आएगी। यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन मतलब लाइसेंस से टर्म्स के बारे में आ गई। आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। यदि नहीं पढ़ना चाहते तो आपको एक्सेप्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे कुछ देर वेट करना, तो यहाँ पे आप मुझे बोला जा रहा है कि आप मैं विंडो 11 ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो अपडेट करना चाहते हैं पीसी? नहीं, हम अपडेट करना चाहते नहीं इसको। क्रिएट इंस्टॉल है मीडिया जस्ट इज द USB DVD एंड ISO फाइल मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। जस्ट इधर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपको ये जो मिलेगा लैंग्वेज हुए यूनाइटेड स्टेट में आपका एडिशन रहेगा विंडो 10, और यहाँ पे आर्किटेक्चर इधर 64 बिट आपका रहेगा। तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना। यहाँ पे दोनों हम 32 बिट्स एंड 64 बिट्स दोनों मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो बस यहाँ पे मैं क्लिक किया और नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो फिर यहाँ पे बोला जाता है यूज फ्लैश ड्राइवर, मतलब फ्लैश ड्राइवर मतलब USB मतलब पेन ड्राइवर हम बनाना चाहते हैं या ISO फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं ISO फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ। ओके, तो ISO फाइल आपको डाउनलोड मिल जाएगा। तो जस्ट इधर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। मेरे से फोल्डर पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर जस्ट इधर मैं डी ड्राइव में मेरे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है। सॉफ्टवेयर नाम में यहाँ पे मिलता है सिस्टम, और सिस्टम में मेरे पास यहाँ पे विंडोज का नाम से हमें यहाँ पे बना लेते हैं विंडोज 10। ओके, तो विंडो 10 के नाम से हमें यहाँ पे सिस्टम बुकटेबल फाइल यहाँ पे बनाया क्रिएट कर लियो, और मेरे पास देखिए windows.iso नाम के आपके यहाँ पे फाइल बन जाएगा। सेव एज द टाइप आपको मिल जाएगा ISO फाइल। ओके, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसको आपका नेट पे जितना फास्ट आपका इंटरनेट रहेगा उतना फास्ट ये वर्क करेगा। यदि आपका नेट इधर स्लो तो आपका ये स्लो डाउनलोड होगी, ये आपका नेट पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए कंप्लीट होता है जब तक डाउनलोड, उसके बाद हम फिर आगे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा ISO फाइल कंप्लीट डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूँगा, तो डू द चेक द ISO फाइल, तो गो टू द फोल्डर फाइल, तो एट डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे आने के बाद मैं सॉफ्टवेयर पे आता हूँ, और आपको यहाँ पे सिस्टम और विंडो 10 एंड यहाँ पे आपको विंडो 10 ISO फाइल मिल जाता है। इसका पाथ मैं चेक करके बता दूँ, आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आना है एंड 7.45 GB का आपका ये ISO फाइल है। इसलिए आप इसको बूटेबल बना सकते हैं और इस अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे किस प्रकार से बूटेबल बनाया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें।
इस पर से ऑसम वीडियो जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।